शिक्षा क्षेत्र में संस्कार आणिबाको हेले गवेषणा को गुरुत्व दिया दरकार ईटीवी सहित स्वतंत्र साक्षात्कार यूजीसी अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह चौहान से कहते देशर श्रेष्ठ 10टी विश्वविद्यालय को प्रोत्साहन मिल शिक्षा और गवेषणा 10टी विश्वविद्यालय को 10,000 कोटी टंका प्रोत्साहन दिजिंट यूजीसी अध्यक्ष ୟୁନିଭର୍ସିଟିର 75ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ୟୁଜିସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ପହେଲେ ଆପକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ହେ ଇଟିଭି କେ ତରଫ ସେ ପହେଲି ବାତ ମୁଁ ପୁଛନା ଚାହୁଁଗି କି ଅଭି ହାଲି ମେ ଏକ ଗାଇଡଲାଇନ୍ କିଆ ହେ ୟୁଜିସି ନେ କି ଯୋ ଡିମ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେ ଓ ଲୋକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନା ଲିଖ କେ ଡିମ୍ ଟୁ ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲିଖନେ ଏସା କ୍ୟୁଁ ଉସମେ କିସି କୋ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୋ କ୍ୟା ଫାଇଦା ହୋଗା ଇସମେ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କା ଫାଇଦା ଓ ନୁକସାନ କା କୋଇ ବାତ ହି ନହିଁ ହେ डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी है डिग्री देने की और गवर्नमेंट कहती है ठीक है हमने आपको देख लिया तो ये यूजीसी का काम है उसमें इसी तरह से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है नेशनल ब्रेन सेंटर है तो बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं वो अपने आप को वही कहलाते हैं जो वो कहलाते हैं जैसे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद यूनिवर्सिटी नहीं बोलता अपने आप तो इसलिए तो इसमें स्टूडेंट का ना कोई नुकसान है ना ही इसमें फायदा नुकसान की बात ही नहीं है बहुत फेमस यूनिवर्सिटी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं सर और एक बात है कि जो बहुत सी ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें कि फैकल्टी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वो लोग बच्चों को एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि वो लोग बच्चों को भी गुमराह कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेने का यूजीसी के पास कोई गाइडलाइन है क्या ना यूजीसी करेगा ऐसा कुछ नो इसका तो ये चिंता का विषय है क्योंकि मेरा अपना अपने विचार में कि गैप जो है एक्सेस में जितना बच्चा यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है हालांकि मैंने अभी जैसे कहा कि हमारा इंडिया में हायर एजुकेशन का सिस्टम वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम है मगर फिर भी और डिमांड है इसको बढ़ाने की और गवर्नमेंट वही सब गवर्नमेंट्स वो यही करना चाहती हैं जो विकसित देश हैं उनमें ये जीआर 80-90 तक जाता है तो आप देखते मैं यही कह रहा था कि हम लोगों का तो अभी 60-70 साल पहले काम शुरू हुआ हम लोग बहुत छोटा सिस्टम चलाते थे अभी हमारा सेकंड लार्जेस्ट है और हो सकता है सबसे बड़ा हो जो प्राइवेट कॉलेजेस जो धंधा करते हैं पढ़ाने का उनको एकदम से रोकना बहुत ज़रूरी है एंड इसीलिए यूजीसी अपनी वेबसाइट पे लिस्ट लगाता है कौन से कॉलेजेस हमारे पास जो 2F में रजिस्टर्ड है आई थिंक पेरेंट्स का और बच्चों का देखना बहुत ज़रूरी है आजकल टेक्नोलॉजी तो अलाउ करती है यूजीसी की वेबसाइट पे जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज नहीं हैं वो हम लोगों के उस फोकस में नहीं आते इसका मतलब है वो अपना जो भी धंधा है अलग से कर रहा है लास्ट क्वेश्चन हायर एजुकेशन में रिफॉर्म लाने के लिए यूजीसी आगे का क्या प्लानिंग है यूजीसी का मैं एज अ चेयरमैन ऑफ यूजीसी मैं तो हमेशा यही उसमें रहता हूँ कि हमको रिसर्च में और पैसा जरूर खर्च करना चाहिए और मैं सोचता हूँ कि यहीं पे नहीं रुकना चाहिए इसके बाद में इनकी 10 के बाद में बाकी जो 11वां 12वां 13वां उनका भी कुछ होना चाहिए बट 10 का तो ज़रूर आप बहुत जल्दी से सुनेंगे ये गवर्नमेंट का बहुत मेजर इन्वॉल्वमेंट है तो इसका नतीजा बहुत जल्दी 2-3 महीना में नतीजा आ जाएगा और जो 10 चुनी जाएंगी यूनिवर्सिटी उनको 1,000 करोड़ रुपया शुरुआत बुरी नहीं है अच्छी शुरुआत है बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए आप सीधा सड़क सुनते यूजीसी चेयरमैन कथबार्ता हो कि भाव में उच्चशिक्षा विभाग को आहरी सुदृढ़ करने विभिन्न प्रकार पदक्षेप यूजीसी पक्ष भुवनेश्वर कैमेरामैन सुश्री सुलोचना निरुपमा बेहरा ईटीवी न्यूज